हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आर डेट है 24 मई और टाइम हो रहा है शाम के 5:15। आपको धूप दिख रही होगी, पीछे देख सकते हो आप इधर सूरज महाराज। आज की वीडियो भी अपनी बाइक से रिलेटेड होने वाली है। ये खड़ी अपनी बाइक। आज का टॉपिक मैं आपको बताया था। इस वीडियो का टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइंग पल्सर। जो कोई भी पल्सर लेने की सोच रहा है 125 cc, तो पहले वीडियो देख लो, फिर उसके बाद ले लेना अगर मन करे तो, नहीं तो मत लेना। गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते जल्दी से वीडियो को। पहले हम आते इसके डिसएडवांटेजेस पे। स्टार्ट करते इसके पहले डिसएडवांटेजेस से। गाइस, इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है इसका इंजन किल स्विच। ये जो स्विच होता है, जैसे मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैं बंद करता हूँ तो बंद हो जाती है। लेकिन अगर मैं इसको वॉश करवाता हूँ या इस पर थोड़ा हल्का फुल्का भी पानी जाता है तो ये स्विच हो जाता है ख़राब। फिर एक दो कई घंटे लग जाते हैं सही होने में। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो उसके अंदर ये है। गाइस, अब इसके दूसरे डिसएडवांटेज की तरफ चलते हैं, जो कि इसका टैंक। अगर मैं इसका टैंक आपको खोल के दिखाऊं तो ये जो साइड में जगह है यहाँ पे पानी रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है। कोई बारिश का हो या वॉशिंग का पानी हो तो यहाँ पे एक होल है पानी जाने का, बट यहाँ पे पानी ब्लॉक हो जाता है, फिर भी प्रॉपर सही से नहीं जा पाता, जो कि इसकी दूसरा डिसएडवांटेज है। गाइस, अब चलते हैं इसकी तीसरे डिसएडवांटेज की तरफ, जो कि है इसका हेडलाइट। ये इसमें हेलोजन लाइट आती है, जो वैसे तो मैंने इसमें LED लगा रखी है, बट हाँ, इतनी महंगी बाइक लेने के बाद में अगर इसमें हेलोजन है तो बेकार लाइट है, इसका कुछ यूज़ तो होता नहीं है। LED काम आती है आजकल तो, मतलब आजकल क्या है, LED ही सही रहती है, और हेलोजन बल्ब की इसकी कुछ खास रोशनी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैंने आते सबसे पहले तो बाइक में ये चेंज करवाया था। और इसका जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो है इसके हॉर्न्स। वैसे तो मैंने बाहर से लगवा रखे हैं आफ्टर मार्केट, बट इसके जो कंप्रेसिबल हॉर्न आता है, सिंगल हॉर्न आता है छोटा सा, उसकी आवाज़ बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेकार है। आप लोग भी अगर उसकी आवाज़ सुनोगे तो आप लोगों को किसी को भी पसंद नहीं आएगी वो आवाज़। मेरे पास वो हॉर्न नहीं है, नहीं तो मैं एक बार ज़रूर आपको उसकी साउंड सुनाता। और यहाँ पर आ चुका मेरा नया दोस्त। गाइस, ये मेरा नया दोस्त, मेरी तरह आलसी एकदम, यहीं पर मिला मेरे को। स्टार्ट करते हैं एडवांटेज से। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज इसका ये अच्छी बात है कि इसमें टायर बहुत अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं। C8 के टायर इसके अंदर लगे हुए हैं, आप देख सकते हो इधर आगे भी और पीछे भी। ये इसकी सबसे अच्छी बात मेरे को लगती है पल्सर की, कि चलो हाँ, कम से कम टायर तो अच्छे दे रही है। और अलॉय जो हैं वो भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, मतलब वो स्पोक व्हील्स नहीं है जो बाकी नॉर्मल बाइक्स में होते हैं ज़्यादातर। और दूसरा, आप इसमें देख सकते हो कि इसमें डिजिटल स्पीड मीटर है, ये सही रहता है बाकी बाइक के अकॉर्डिंग, और उसमें भी मतलब देखने में ये अच्छा लगता है और यूज़ करने में भी। आपको जो वैसे नॉर्मल मीटर होते हैं उससे अच्छा आपको भी डिजिटल लगता होगा, तो ये भी एक इसमें अच्छी बात है कि डिजिटल मीटर है। वैसे तो पल्सर में शुरू से ही है वो, तो बस मैं आपको बता रहा हूँ। गाइस, अब आ जाते हैं इसके इंजन की तरफ। तो इसके इंजन की एक अच्छी बात है कि जैसे पल्सर का इंजन है वैसे किसी और बाइक का इंजन है नहीं, जैसे रफ चला लो, जैसे मर्जी चला लो, बट हाँ, एक बार इसे कहीं भी, इस बाइक को कहीं भी ले जा सकते हैं। इस बाइक का तो मेरे को पता है, और किसी अपनी का पता है, और किसी की बाइक का तो पता नहीं, बट हाँ, ये है कि पल्सर जैसा इंजन तो किसी का नहीं है। मतलब इतनी CC में अगर आप जाते हो तो पल्सर 125 एकदम बेस्ट है आपके लिए। गाइस, अब आ जाते हैं इसकी मेन बात पे कि भाई ये बाइक माइलेज कितनी देती है। तो हाँ, मैं इस पॉइंट को लास्ट में बताने वाला था कि इसकी मैंने लास्ट वीडियो भी इसी के ऊपर बनाई थी कि ये माइलेज कितनी देती है। तो इसकी माइलेज है 52.2, जो कि इस बाइक के हिसाब से बहुत अच्छी है, जबकि इसमें SC प्रोजेक्ट लगा हुआ है, आप देख सकते हो इधर SC प्रोजेक्ट इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है, उसके बाद भी इतनी माइलेज दे रही है। अगर एग्जॉस्ट ना हो तो 60 दे देगी आराम से, और जबकि मैंने काफ़ी मतलब भगाई भी थी, रफ भी चलाई थी, जब इसने इतनी माइलेज दी है तो इसकी सबसे अच्छी बात है। तो गाइस, अब लास्ट में इसके बचे इसके सस्पेंशन। तो इसके सस्पेंशन काफ़ी अच्छा काम करते हैं बाकी बाइक के अकॉर्डिंग, जो मैंने इतनी CC में देखी है, 150 CC तक देखी है। पल्सर 150 तो है ही, मतलब पल्सर 150 और 125 में कोई खास फ़र्क है नहीं। ये थे इस बाइक के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। आपको कैसे लगे अगर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गाइस, बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस पर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बता देना कि आप ये बाइक लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे। और अगर आपको इस वीडियो में कोई गलत चीज़ लगी या कुछ
आप मेरे को कुछ बताना चाहो या पूछना चाहो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना जितना आप कर सको अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में, जितने भी अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर, इंस्टाग्राम स्टोरी पर, सब हर जगह। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना मेरा आने वाली वीडियोस के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।